शिमारू से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। जश्नदीद गवाह पंडित तुलसीराम की गवाही से ये बात पूरी तरह साबित हो जाती है कि मकतूल राम नारायण का खून मुल्जिम बहादुर सिंह ने ही किया है। लिहाजा जेर दफा 302 ताज़ीराते इन मुल्जिम बहादुर सिंह को सजाए मौत दी जाती है। राम आज तेरे कारण मैं सुहागन से विधवा बन रही हूं, मगर यह मत समझना कि मेरे ठाकुर का खून रंग नहीं लाएगा। तुझसे अपने बाप का बदला लेने वाला छोटा ठाकुर मेरी कोख में है। तो बड़ा हो जाए फिर देखती हूँ तुझे कुत्ते की मौत मरने से कौन बचाता है। बधाइयो, ठाकुरान को लड़का हुआ। जय वाली। मैंने कहा सुनते हो, ठाकुरान के घर लड़का पैदा हुआ। दुनिया में लड़के अक्सर पैदा होते हैं। तुमने तो जैसे मक्खी उड़ा दी। याद नहीं भरी कचहरे में ठकुराइन ने क्या धमकी दी थी। अब वो नफरत चटा चटा के अपने बच्चे को जवान करेगी। धमकी याद रखने वाले कायर होते हैं। जा अपना काम संभालो। तो क्या किसी हकीम ने नुस्खे में लिख दिया है कि सारी जिंदगी हम इसी इलाके में रहे। यहाँ रहकर उनके दिल का घाव हरा करने से क्या फायदा। ये तो वही बात हुई कि आबैल मुझे मार। किसी औरत की धमकी से डर कर भाग जाने वाला कोई और होता होगा। मैं गंगा घाट का ब्राह्मण नहीं हूं। मैंने चंबल का पानी पिया है और गले में परशुराम का कुल्हाड़ा है। आप लोग यहाँ? हमारे ठाकुर का पहला जन्मदिन हुआ और हम ना आए। बहुत बहुत बधाई हो भाभी। हवंदरा, ये क्या कर रहे हैं? ये घर हमारे लिए तीर्थ। इस घर की चौखट हमारे लिए मंदिर से कम नहीं। कहाँ है हमारे छोटे सरदार? जय भवानी। सेब का बच्चा सेब निकला। अभी छोटे ठाकुर हमारी अमानत है, इन्हें पाल पोस कर बड़ा करो। अब हम उस दिन आएंगे जिस दिन इनका कद पहाड़ जितना होगा, छाती सागर जितनी होगी और आवाज में वो गर्ज होगी जिसे सुनकर चंबल में बाढ़ आ जाए।
बाप पर गया। वही लंबा कद, वही चौड़ा सीना। भाभी, ठाकर का रंग रूप तो इसमें मिलता है, क्या ठाकर के गुण भी हैं इसमें? लाखन, इन्हें बता दो 20 साल में तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया। ये भरी है काका? ये हमेशा भरी रहती है। माँ, इस पेड़ के सामने खड़ी हो जाओ। शाबाश लखन, शाबाश लखन, शाबाश लखन। अब ले जाओ इसे, और जब तक काम पूरा ना हो जाए, न इसे मेरे सामने लाना और न तुम में से कोई अपना मुंह दिखाना। फिक्र न करो भाभी, अब लखन उसी दिन तुम्हें अपना मुंह दिखाएगा जिस दिन इसके माथे पर तुलसीराम के लहू का टीका होगा। चलो लखन। भवानी माँ, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने बाप का बदला ले सकूं। तुम में से लाखन कौन है? मैं हूँ लाखन, वही लाखन जो पैदा ही इसलिए हुआ था कि तू जैसे गद्दार की छाती में गोली उतार दे। मालूम होता है तू बहादुर सिंह की औलाद नहीं, होता तो मर्दों की तरह ललकारता और आमने सामने डटकर मुकाबला करता। ये कहां की वीरता है कि एक निहत्ते के सामने 8-10 आदमी बंदूक के ताने खड़े हैं, अपनी कायरता को भूल रहा है? जब पुलिस का खबरी बना था तब कौन सी बहादुरी दिखाई थी तूने? ए शरम, मेरे बाप को तूने कब मौका दिया था जो आज अपने लिए बराबरी की लड़ाई मांग रहा है? कुछ भी हो, एक निहत्ते पर गोली चलाना ये कहां का इंसाफ है? ये मेरा इंसाफ है राम, तुम्हारी गवाही से मेरे बाप को फांसी हुई थी। ये हमारी कोरट है, यहाँ तुम्हें मौत की सजा मैं देता हूँ। क्यों भगत खराब करते हो? चलाओ गोली और खत्म करो बाप को। अरे कायर, मौत से कौन डरता है? चला गोली, लेकिन चलाने से पहले एक नाम याद रख जो तेरी मौत बंद कराएगा। माँ, आज तुमने मेरे दूध की लाज रखी। जीते रहो बेटा। गांव वालों, इस आदमी की तस्वीर को देखो, इसने तुलसीराम ब्राह्मण का खून किया है। पुलिस को इसकी तलाश है। तुम में से जो भी इसके बारे में पुलिस को बताएगा या गिरफ्तार करवाने में पुलिस की मदद करेगा उसे सरकार की तरफ से 2,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। कमाल की बात है,
उसी के घर पर उसी की तस्वीर। पुलिस है, अपनी कार्रवाई करती। जैसा करो वैसा भरो, खराबा होगा तो ऐसा ही होगा। सुनो, कौन है तुम? रूपा, तुलसीराम ब्राह्मण का बेटा। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें चेतावनी देने, लाखन पुलिस के हाथों से नहीं मरेगा। तो? वो अपने बाप का बदला ले चुका है और मुझे अपने बाप का बदला लेना है। रूपा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो लाखन के रास्ते में कभी ना आना, कहीं ऐसा ना हो तेरी माँ अपना सुहाग खो देने के बाद अपनी ममता भी न खो दे। ऐसा कभी नहीं होगा। इन आंखों में देखो, तुम्हें लाखन की मौत नजर आएगी। वो आकाश में हो या पाताल में, मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। उसे कह देना अरे माँ, तू इतनी दूर क्यों आई है? मुझे बुला लिया होता। तुलसीराम का बेटा आया था। तो क्या हुआ? मैंने उसकी आंखें देखी है, तू उसे बचकर रहना। अरे माँ, अगर उसके कलेजे में बल होता तो वो मेरे सामने आता, तेरे पास क्यों आता? ऐसे कायर की फिक्र मत कर। उसे कायर मत समझो लाखन, जो दुश्मन को ललकार कर आता है वो खतरनाक होता है। माँ, अब मैं उस वक्त घर लौटूंगा जब लाखन इस दुनिया में नहीं रहेगा। रूपा। लाखन, सुन सकता है तो सुन। तेरी घंटी की आवाज तेरी मौत की आवाज। दुर्गा माई की कसम, जब तक तू जिंदा है न कोई मेरी माँ है, न कोई मेरी बहन, न कोई मेरा घर। चुपचाप यहां खड़े रहो।
बेजुबान है सरकार, बिल्कुल बच्ची है। हुजूर की खिदमत के लिए बंदी हाजिर है। ये दिलबर है और हम दिलदार, जो चीज पसंद आएगी उसी को ले जाएंगे। बोलो कितने में सौदा होगा? ये सौदा कभी नहीं होगा, चीज हमारी है, बेचे या न बेचे। जिस चीज पर लाखन का दिल आ जाए उस चीज को बिकना ही पड़ता। क्या कोई जबरदस्ती है? ये सौदा होकर रहेगा, मर्जी से नहीं तो जबर से। नहीं, प्यार करते हैं जब मासूक से, काम लेते हैं हम बंदूक से। लाखन, तुम यहां लड़कियां भी लाने लगे? काका, ये डाकुओं का अड्डा है, साधुओं का मठ नहीं। लड़की के मामले में डाकू को भी साधु बनना पड़ता है बेटा, हमारा खिलौना सिर्फ हमारी बंदूक है। लेकिन बंदूक से दिल नहीं बहलाया जाता काका, इस उजाड़ जंगल में मुझे दिल बहलाने के लिए कोई जीता जागता खिलौना चाहिए। मैं साधु होकर जी नहीं सकता काका। ये ठाकुर बहादुर सिंह का बेटा कह रहा है? हाँ काका, ये वही बेटा कह रहा है जिसे तुमने खून करना सिखाया। आज नहीं तो कल मैं किसी पुलिस की गोली का निशाना बनूंगा। मरने से पहले मैं जीना चाहता हूं काका, जीना चाहता हूं। Thank you.
सूबेदार जी, ठाकुर बहुत गलती कर रहे हैं। गलती वो कर रहा है लेकिन गलत रास्ते पर उसे लाने वाले हम ही थे। ये देख क्या गजब हो गया है। ये तूने क्या किया लखन, सब एक। कितने का माल है? माल तो 7-8 हजार का है मगर आपसे हम 5 हजार लेंगे बस। इन्हें पोटली दे दो। सुबेदार जी, आते वक्त तो अंडा बंद कर माल लाया हूँ, चाहते हो अंडा क्यों बनाते हो? क्यों, क्या हुआ? ये माल तो 2 हजार का भी नहीं है। आंखें खोल कर माल देखो। इसे वापस भेज दें। क्यों? हमें एक जगह धावा बोलना है। इसे कहां तक लिए फिरेंगे? जब चाहोगे इसे बुला लेंगे। भेज दो। पुलिस? नहीं, पुलिस होती तो उनकी गोलियां बरसात की तरह आती। सिर्फ एक गोली चली है और वो भी मुझ पे। इसका मतलब रूपा है। सुनो, चारों तरफ से घेर लो, बच के ना जाए। कुत्ते ने खुद अपनी मौत को बुलाया है। नहीं मिला, बच के निकल गया साला। फिर कभी सही चल पाने मिला। गद्दार, 1000 के इनाम के लालच में हमारी जान का सौदा करना चाहा था। पुलिस का खबरी बनकर हमें फांसी पे चढ़ाना चाहा था। अमृत Thank you.
आए हो? तुमसे मिलने। किस लिए? तुम्हारे टोले में शामिल होना चाहता हूँ। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे गले में यही परशुराम का कुल्हाड़ा बंधा है। तुम ब्राह्मण हो? मैं पंडित तुलसीराम का बेटा हूँ। नाम? रूपा। यहाँ किस कारण आए हो? इस इलाके में तुम्हारा ये एक ब्राह्मणों का गिरोह है जो ठाकुरों के खून का प्यासा है। तो? मैं भी लाखन के खून का प्यासा हूँ। इससे तुम्हारा मतलब तो पूरा हो जाएगा, हमें क्या फायदा? फौज में 7 साल रहा हूँ, निशाना भी पक्का है, एक गोली एक लाश। कहीं हम तुम्हारा निशाना बन गए तो? एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को धोखा नहीं दे सकता। अमृतलाल किसी की बात पर विश्वास नहीं करता। तो फिर जैसे चाहो आजमा लो। निशाने के साथ साथ दिल भी मजबूत है? है। आओ मेरे साथ। चलाओ गोली इस पुलिस के खबरी पर। गोली चलते ही तुम कानून की दुनिया से निकलकर हमारे टोले में आ जाओगे। मेरा बेटा मेरे लिए जीते जी मर गया। हे भगवान, अगर लाखन के किस्मत में ऐसे ही पाप लिखे हैं तो उसे इस दुनिया से उठा लो। ऐसे बेटे के चीरे से तो उसका मर जाना अच्छा है, उसका मर जाना अच्छा है। लाखन, तुम यहाँ ठंडी छांव में शराब पी रहे हो और वहां कोई तुम्हारी मौत की तैयारी कर रहा है। कौन? रूपा। कौन सी नई बात? रूपा की दुश्मनी कोई नई बात नहीं, पर ब्राह्मण की चालाकी से खतरा है। कैसी चालाकी? अकेले तुमसे बदला नहीं ले सका, इसलिए अमृतलाल के टोले में शामिल हो गया है। अरे काका, जहां 15 वहां 16, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? लाखन, डाकू जब तक चौकन्ना तब तक जिंदा, जहां गफलत वहां मौत। आखिर तुम चाहते क्या? इससे पहले कि तुम्हारी लापरवाही से फायदा उठाकर वो तुम पे हमला कर दे, तुम उस पर टूट पड़ो।
परमिशन ले ले। मुझे मूछ वाले को तो लेने दे। अबे मूछ वाले को तो मैं ले लूंगा, दाढ़ी वाले को तू लेना। ये टोला बहुत दिनों के बाद जागा है। ये सब कायर है, ललकार के थोड़ी ही आएंगे। और आज लाखन हमारे लिए नहीं, रूपा के लिए आया है, और ये मुसीबत बढ़ती ही रहेगी जब तक लाखन जिंदा है या रूपा। अगर आज लाखन बच के निकल गया तो याद रखना, रूपा बचने ना पाए। बंदूक की आवाज से पुलिस वालों के दिल दहल जाते थे, आज उसका चलाने वाला नहीं रहा। जिस बंदूक ने हमें जेल की काल कोठरी से 6 साल तक बचाए रखा, आज उसके चलाने वाले और हमें संभालने वाले की सख्त जरूरत है। वो आदमी मैं हूं, इस बंदूक को मैं चलाऊंगा। खबरदार, बंदूक छोड़ दो। और कुछ? 6 साल तो क्या, तुम इस टोले को 6 दिन भी नहीं संभाल सकोगे। बोलो। देख क्या रहे, चाकू तुम्हारे हाथ में है, चला दो। अच्छा, मैं यहां हूं। ये सुनार है, हमारे लिए कारतूस वगैरह लाता है, रुपया जेवर ले जाता है। हमारे लिए भी वही काम करोगे जो अमृतलाल के लिए किया करते थे? जरूर सरकार, लीजिए शुगर करता हूँ, ये कारतूस लीजिए, पैसा माल बाद में लूंगा, मैं जा सकता हूँ। ठहरो मोटो, एक बात बताओ। बोलो। तुम पर भरोसा कर सकते हैं? मोटो, मेरा नाम राम भरोसे है, कैसी बातें करते हैं? राम भरोसे जी, धोखा तो नहीं करोगे? धोखा सरकार, आपको धोखा देगी क्या? अपनी जान को धोखा दूं? लशवंती, लशवंती, लशवंती। अजी अंधे बैल की तरह कहां भागे जा रहे हो? अब तेरे राम भरोसे का कोई भरोसा नहीं।
हट्टे कट्टे तो दिखाई दे रहे, तुम्हें क्या हुआ? अरे हुआ नहीं, होने वाला है। वो चिता की बहन चिंता मेरे पीछे पड़ गई है। कौन है वो? कहाँ रहती है? मैं उसका खून पी जाऊंगी। कौन सी लड़की है? अरे लड़की नहीं, लड़की नहीं, एक मुसीबत है जो मेरे गले पड़ गई है। मुसीबत? मुझसे भी बड़ी मुसीबत है क्या? है, एक नहीं दो है, दो दो डाकू, रूपा और लाखन। वो एक दूसरे के दुश्मन है। अजी वो एक दूसरे के दुश्मन है, तुम्हें उससे क्या लेना? यही तो बात है, उन दोनों का मैं दोस्त हूँ। ये गोली बाजू पर क्यों? लाखन इसलिए बच गया था कि गोलियां खत्म हो गई थी। अब यह गलती कभी ना होगी। इस गोली पर लाखन की मौत लिखी है। अब यह गोली उसी वक्त चलेगी जब लाखन सामने होगा। रूपा का नाम गोली पे क्यों लिखवा रहे हो? सुना नहीं काका, रूपा ने मुझे मारने के लिए एक गोली अलग से अपने बाजू पे बांध रखी है। दुश्मन की ये बात अच्छी लगी काका। ये गोली भी मेरी बंदूक में तब उतरेगी जब रूपा मेरे सामने होगा। देखना सिर्फ इतना है काका, किसकी गोली किसका सीना छलनी करती है। मैं रूपा हूं और तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। कैसी मदद? जो सलूक लाखन ने तुम्हारे साथ किया है उसका बदला लेना चाहोगी ना? मेरा बस चले तो उसकी बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला दे। वही काम मेरी एक गोली करेगी। तुम इतना ही करना, इसी बहाने लाखन को यहां बुलवा लेना। अगर लाखन यहां मारा गया तो उसके आदमी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घबरा मत, मैं बाहर किसी मकान में छुपा रहूंगा। सिर्फ मेरी बंदूक की आवाज आएगी और दुनिया जान लेगी कि रूपा ने अपना बदला ले लिया है। तुम लोगों पर कोई आंच नहीं आएगी। खबर भेजोगी? जरूर भेजूंगी। तो राम कटोरी ने तुम्हें भेजा है? हाँ हुजूर, और ये भी कहा आग जानी नहीं थी तो लगाई क्यों? और ये भी कहा है कि अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो कल शाम को जरूर आइयो। ठीक है उस्ताद, राम कटोरी से कह देना कि मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। यहाँ घुटन से नहीं हो रही, आइए बाहर चांदनी में बैठे। बिना शराब के? अरे अभी लाए। निशाना कैसे चूक गया? निशाना चूका नहीं, मैं धोखा खा गया। वो कैसे? जिसे मैं लाखन समझा वो दरअसल शीशे में उसकी छाया थी। वो मुझे दगा नहीं दे सकते। तू क्या जाए, वो ठहरी डेरेदार तो आए, जिधर आंख उठाई घरों के घर तबाह कर दिए। काका मैं भी उस खानदान का हूं जिसने गद्दारों को तो क्या उनकी पुश्तों तक को नहीं छोड़ा।
सरकार ने बुलाया, बंदी आ गई। क्या बात है, आप कुछ खफा हैं? आज इन आंखों में प्यार की जगह गुस्सा क्यों? इसका जवाब तुम्हारे पास है। इसे शक समझिए, शिकायत। बड़ी चालाक हो। वो तो हूँ। और खूबसूरत हो। वो भी। और शायद बेवफा भी। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं कि इतनी आसानी से हमारे जाल में आ जाता। खबर
गांव में कोई पुलिस नहीं है, लेकिन माँ ने कहा है। क्या कहा है? लाखन से कहना कि अपनी शक्ल मुझे कभी ना दिखाए। क्या बकते हो? मैंने कहा था ना, फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कहा था, लेकिन क्या करूं, आखिर मैं तुम्हारा बेटा इस दुनिया में अकेला। एक तरफ रूपा, दूसरी तरफ फांसी का फूला। तुम्हारा प्यारी तो है, जिसके सहारे जी रहा। तुम उसे जीना कहते हो, मैं उसे मौत कहती हूं। क्यों माँ, क्यों ऐसी बातें करती हो? खबरदार जो मुझे माँ कहा। ये तुम कह रही हो? हाँ। अपने बेटे से? तुम मेरे बेटे नहीं हो, जिसकी काली करतूतों के चर्चे सारे इलाके में हो। वो मेरा बेटा नहीं, जिसका नाम सुनकर लड़कियों के रंग पीले हो जाए। वो मेरा बेटा नहीं, जिसके नाम से बच्चों का कलेजा पानी हो जाए। वो मेरा बेटा नहीं। है माँ है, ये तुम्हारा वही बेटा है, जिसे तुमने बचपन से दूध के हर घूंट के साथ नफरत का जहर पिलाया। दो चार अक्षर सिखाने की जगह बंदूक चलानी सिखाई। बचपन से मेरे मन में नफरत, बदले और दुश्मनी की आग भड़काई। तुमने मुझे जिंदगी का उजाला नहीं, मौत का अंधेरा दिया है माँ। अब तो जब तक जीना है, इसी अंधेरे में भटकना है। यही मेरा रास्ता है और यही मेरा भविष्य। तुमने एक भोले भाले मासूम बच्चे को डाकू बनाया और मैंने उस डाकू को पशु बनाया, और आज तुम मुझको दोष देती हो। चुप क्यों हो गई मां, जवाब दो। अगर तुम्हारे पास इस बात का जवाब है, मैं तुम्हें कभी मिलने नहीं आऊंगा। जो था कि रूपा पे कोई गोली नहीं चलाएगा। रूपा मेरा शिकार है, खबरदार जो मेरे पीछे कोई आया।
रब दा वास्ता। कौन है तुम? मैं एक परदेसी हूं, जख्मी हूं, मेरी मदद करो, मुझे कहीं छुपा दो। अरे कोई चिड़िया का बच्चा होता तो आंचल में छुपा लेती, मगर इतने बड़े आदमी को कहां छुपाओ? कहीं भी छुपा दो, लेकिन जरा जल्दी करना, डाकू मेरा पीछा कर रहे हैं। डाकू? तो तुम भी डाकू हो क्या? नहीं। तो फिर डाकू तुम्हारे पीछे क्यों लगे हैं? पुरानी दुश्मनी थी। तो जल्दी से पुलिस को खबर देनी चाहिए। नहीं नहीं, पुलिस को खबर देने से नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि पुलिस चौकी बहुत दूर है, और तब तक ये ना हो कि डाकू आ जाए, मुझे कहीं छुपा दो। लेकिन कहां? अरे हाँ, तुम वहां तक चल सकोगे? कोशिश करता हूं। तो चलो। चलो। मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना, अपने घर वालों को भी। पुलिस को ना सही, घर वालों से तुम्हें क्या डर? बाद में बताऊंगा, चलो। डाकू आ गया है, किसी तरह भी उसे डाल दो। ए लड़की, तुमने किसी आदमी को देखा है यहाँ? 700 आदमी है इस गांव में, तुम किसे ढूंढ रहे हो? है एक आदमी, लंबा तकड़ा गोरा चिट्टा। ओह, वो तो मुरली काका का मोहन है। नहीं नहीं, मैं किसी गांव के आदमी की बात नहीं कर रहा, वो बाहर का आदमी है और जख्मी है। जख्मी है तो अस्पताल जाएगा, इन खेतों में क्या करेगा? सच बोल रही हो? जानती हो मैं कौन हूँ? मैं क्या जानू, ऐसे देखने में तो डाकू लगते हो। मेरा नाम है लाखन। लाखन हो या माखन, मुझे क्या? तुम्हारा क्या नाम है? बस नाम ही नाम है, सोना। मगर घर में पीतल भी नहीं जो तुम लूट सको। लूटने के लिए तो बहुत कुछ है। राम कसम, कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो घर चलकर देख लो। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर क्यों लगे, ना मेरा तुम्हारा कोई बैर है ना दुश्मनी। बड़ी निडर हो। वो तो हूँ, हम गांव वाले बस दो ही बातों से डरते हैं। कौन सी बातें? एक बरसात के ना होने से और दूसरे धनी नाम के ब्याह से। तुम जितनी सुंदर हो उतनी भोली भी। Thank you.
रूपा? अभी उसकी जिंदगी के कुछ दिन बाकी हैं काका, लेकिन उसका घोड़ा ले आया हूँ, इसे संभाल के रखो, ये हमारे बहुत काम आएगा। वही दाल, वही सब्जी और वही रोटी, लेकिन आज तो खाने में मजा आ गया। सुनो कि मैं आज से तुम्हारे रसोई में जाना बंद। फिर तुम्हारे लिए खाना कौन बनाएगा? हम अपनी बिटिया के हाथ से खाना खाएंगे। जब तक बिटिया घर में है तब तक ना, कल वो ससुराल चली जाएगी, फिर क्या करोगे? चिंता क्यों करते हैं? शादी के बाद भी सोना के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे तुम, मैं बन के लाऊंगा। लो आ गए तुम्हारे ठाकुर बाकेलाल। कैसा लगता हूँ मैं इन कपड़ों में? बस दुम की कसर बाकी है। दुम की कसर नहीं बाकी, सिर्फ दूल्हा बनने की कसर बाकी। दूल्हा तो तुम्हें ठाकुर साहब बनाएंगे। वो खुद ही दूल्हा नहीं बने तो मुझे क्या दूल्हा बनाएंगे? और कहते हैं ऊपर से कि बलवन तेरे तो कोई लड़की शादी नहीं करेगी। तो नहीं करेगी, तुम्हें क्या कमी है? तुम सुंदर हो, बाके हो, असली खानदान के ठाकुर हो। मेरा बाप भी खानदानी है ना। क्यों नहीं? तो फिर मेरी शादी होगी। क्यों नहीं होगी? जरूर होगी। तो काका आप शादी की तैयारी छोड़ो, काका मैं भी पिताजी से जाके बोलता हूँ। मैं कहती हूँ मुझे इसका घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं। अब तो भोला के साथ सोना की सगाई भी हो चुकी है और ये मूर्ख अभी तक सोना के सपने देख रहा है। मूर्ख जो ठहरा, तुम उसे मुंह क्यों लगाते हो? सुनो की माँ, मैं उसके बाप का कर्जदार हूँ। मूर्ख कभी आता है चला जाता है, हमारा क्या बिगाड़ता है? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। तुमने किसी को बताया तो नहीं? क्यों? लो तुमने तो कहा था किसी को बताना नहीं, और फिर मैं बता देती तो तुम पकड़े जाते। तुम डाकू हो ना? तुमने कैसे कहा कि मैं डाकू? बताने की क्या जरूरत है, मैं बुद्धू तो नहीं। ये घाव, ये कारतूस की पेटी और डाकू तुम्हारे पीछे, इसे साफ पता चलता तुम कौन हो। चाकू लाई हो? हाँ, हाँ। तो, दबाना। मैं? हाँ। छोड़ क्यों नहीं देते? इधर लखन का खतरा, उधर पुलिस का डर, ना आजादी से कहीं जा सकते हो ना किसी से मिल सकते हो। छोड़ दो नहीं रास्ता। इस रास्ते के सिवा दूसरे रास्ते मेरे लिए सब बंद हो चुके हैं। इंसान चाहे तो अपने लिए नया रास्ता ढूंढ सकता है। काश मुमकिन होता। खाना, मैंने तो गोली निकालने के लिए चाकू ही मांगा था, तुम खाना भी ले आई हो? नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी? लो खा लो। जानती हो मैं कौन हूँ? मैं क्या जानू, ऐसे देखने में तो डाकू लगते हो। मेरा नाम है लाखन। लाखन हो या माखन, मुझे क्या? तुम्हारा क्या नाम? बस नाम ही नाम है, सोना। मगर घर में पीतल भी नहीं कि तुम लूट सको। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कौन है? एक फकीर आया है तेरे दरवाजे पे। क्या चाहिए बाबा? ये हाथ मैं बढ़ाऊं या नजरें उठाऊं मैं,
क्या चाहिए फकीर को कैसे बताऊं मैं? बाबा, इस दुनिया में बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। सब कुछ खुदा से मांग लिया, उनको मांग के उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। सब कुछ खुदा से मांग लिया, उनको मांग के किसको खुदा से मांगा था? ये मत पूछो अपने रब से किसको मांगा करते हैं। दुनिया आखिर दुनिया है, हम नाम बताते डरते हैं। मैं समझ गई, तुमको किसी के प्रेम ने फकीर बना दिया है। मगर मोहब्बत करने वाले दुनिया से नहीं डरते। हमारे गांव में भी एक कवि था, दिन रात गाया करता था बेचारा। क्या गाया करता था वो? मैं मोहब्बत क्या करेंगे वो जो दुनिया भर से डरते हैं। ये उनका काम है जो जिंदगी बर्बाद करते हैं। ऐसा गाना गाता था वो। किस्मत बुरी है अपनी, किसी की खता नहीं। हम जिन पे मिट चुके हैं उन्हीं को पता नहीं। तुम तो बड़े पहुंचे हुए फकीर लगते हो। मंजिल पे भी पहुंच के मंजिल से दूर हूँ। मैं सामने खड़ा हूँ मगर फिर भी दूर हूँ। चटनी होकर आए हो क्या? नहीं। डाकू ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? नहीं। कहीं डाका डालने का इरादा तो नहीं? नहीं। ये नहीं नहीं क्या लगा रखी है? बोलो ना, किस लिए आए हो यहाँ? तुम्हारी भोली भोली मीठी मीठी बातों में आकर मैं तो भूल ही गया हूँ मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। अच्छा, तो फिर मैं तेज तेज कड़वे कड़वे बोल बोलती हूँ, शायद तुम्हें भूली हुई बात याद आ जाए। हाँ, याद आ गई। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी ना, जाते जाते मैं तुम्हारा शुक्रिया तक अदा नहीं कर सका। तो तुम इसलिए इतने दूर से आए हो? हाँ। कार्ड भेज दिया होता, मैं चिट्ठी पा लेती हूँ। एक और बात थी, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। तोहफा? हाँ, हम जंगियों का शुक्रिया अदा करने का यही तरीका है, ये ले लो। ना बाबा, मैं यहाँ नहीं लूंगी। क्यों? तुम डाकू हो, ना जाने कहाँ से चुराया होगा। नहीं नहीं, मेरा विश्वास करो, ये हार मेरी माँ का है और मेरी माँ एक शरीफ और इज्जतदार औरत है। तो क्या तुम किसी भले घर के हो? हाँ, मैं पहले फौज में था, वहीं से भाग कर आया हूँ। मगर भागने की जरूरत ही क्या थी, तुम इतने लंबे चौड़े जवान हो, 2 साल में तो हवालदार बन ही जाते। सोचा तो यही था मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। अरे, किस्मत तो अपने हाथों में होती है। तुम एक काम करो, फौज में वापस चले जाओ, थोड़ी सजा होगी फिर तो हवालदार बन ही जाओगे। तुम्हें बंदूक चलाने का इतना ही शौक है तो फेंक दो डाकू की बंदूक और उठा लो सिपाही की बंदूक जो गरीब का नहीं दुश्मन का खून करती है। सोना, काश मैं तुमसे पहले मिला होता। अरे, तुम्हारी आंखों में आंसू। इंसान की जिंदगी में कई ऐसी कहानियां हैं जो जबान से नहीं सिर्फ आंसुओं से कही जाती हैं। हो गया ठाकुर, ऐसा हमने धंधा कितने दिन हो गए बेकार बैठे हुए। मैंने तो ठाकुर को परसों ही खबर दी थी कि 2 बजे वाली बस में ठेकेदार खेमचंद अपने बेटे के साथ आ रहा है। पूरे 50,000 की हुंडी पक्की थी, लेकिन हुआ क्या, ठाकुर तो 12 बजे ही फकीर बनकर फिर उसी गांव में चले गए। भाई, इसका चक्कर ही ऐसा होता है, आज एक से एक दिन भीखी मंगवा के छोड़ता है। We'll be right back.
लखनवंती, लखनवंती, आज तो सौभाग्यवती से विधवावती बनते बनते रह गई। विधवावती? हाँ। अरे क्या कह रहे हो? ये कह रहा हूँ भाग्यवान लड़की, कह रहा हूँ आज तेरी किस्मत से मैं मरते मरते बा। नहीं, बचते बचते मर गए। तुम मुझे वहां देख के डर क्यों गए थे? कोई और देख लेता तो? मैं तुम्हें देखकर नहीं डरा था। फिर? मैं डरा था इसलिए कि कहीं गोली न चल जाए। कौन गोली चलाता? वो कौन? रूपा। रूपा भी वहां आया था? हाँ। इसलिए आया था? मैं बोलू उसी के लिए जिसके लिए तुम आए थे। तुम मुझे देख के डर क्यों गए? मैं तुम्हें देख के हमेशा डरता हूँ। हाँ। मगर उस वक्त क्या लाखन और तुम्हें आसपास देख के डर गया। लाखन? हाँ। लाखन भी वहाँ था क्या? हाँ। वो किस लिए आया था? जिसके लिए तुम आए थे। लाखन, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा? देख नहीं रहे वो घोड़े के पीछे छुप रहा है। तो गिराओ घोड़े को, फिर रूपा तेरे सामने पड़ा होगा। नहीं काका, रूपा तो मुझे कई बार मिल जाएगा लेकिन दारा जैसा घोड़ा नहीं मिलेगा मुझे। तो आओ पीछा करें। दारा को आज तक किसी घोड़े ने पकड़ा है काका? नहीं देता और सीढ़ियां भी बहुत है बेटा। दर्शन के लिए जाना है, मैं ले चलता हूं। आइए। ते
तेरी 100 बरस की उम्र हो। मेरा भी एक बेटा है तेरे जैसा, ऐसा ही लंबा कद, ऐसी ही चौड़ी छाती। वो आया क्यों नहीं? उसी के लिए तो आई हूँ बेटा। मैं जब भी तेरे द्वार आया हूं अपने लिए ही कुछ मांगा है, लेकिन आज मैं सबला के लिए मांग रहा हूं और तुझे जरूर देना होगा। मां, मांग जो मांगना है। लाखन की मौत। क्या नाम है तेरे बेटे का? रूपा। सुना है मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। लाखन जरूर मरेगा मां, लेकिन एक दुआ और मांग। जब लाखन मरे, इज्जत की मौत मरे। लाखन, न तुम्हें अपने काम की परवाह है, न धंधे का ध्यान है। जब देखो भेद बदल कर गांव में चले जाते। अरे वो लड़की तुम्हें इतनी पसंद है तो इसमें मुश्किल क्या है? मैं उसे उठा लाता पागा। फिर कभी ऐसी बात की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बाप के दोस्त। काका, से मिलने के बाद पहली बार मेरे कानों ने जिंदगी की पुकार सुनी। जिंदगी की पुकार नहीं, मौत की पुकार सुनी। एक डाकू का प्यार उसके लिए मौत की निशानी होता है। वो एक इज्जतदार शरीफ घराने की लड़की और तुम एक खूनी डाकू, ये रिश्ता पनप नहीं सकता। जेब में क्या छुपाए रे? कुछ नहीं। इधर आओ, आओ और करीब आओ। अरे अरे अरे, इसे मत पढ़ो, इसे मत पढ़ो। नहीं पढ़ू? मैं पढ़ूंगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे, गांव की बहू बेटों को ऐसे खत लिखते हो, शर्म नहीं आती? अब देखो मैं तुम्हारी क्या दुर्गत बनाती हूँ। देखो, मैं वादा करता हूँ ऐसा खत कभी नहीं लिखूंगा। अब इसे फाड़ दो। फाड़ दो? फाड़ दो? क्यों? अब मैं गांव के एक एक आदमी को बताऊंगी। हाँ, क्या बताओगी? हाय हाय, एक लड़का मुझको खत लिखता है। हाय हाय, एक लड़का मुझको खत लिखता है। लिखता है हाय, मुफ्त में ले ले तू मेरा दिल बिकता। रिश्ता है हाय, मेरा प्रेमी कोई पागल दिखता है। हाय हाय, एक लड़का मुझको खत लिखता है। क्या हो जो ये खत किसी के हाथ लग जाए? क्या हो जो ये खत किसी के हाथ लग जाए? ये दाग लगा था चोली में, अब दिल ना खो जाए आप मिचौली में। मिचौली में है ले ना जाए यार, बिठा के डोली में। ओ,
कौन लाया इसे? कौन लाया इसे? सुमन, कौन लाया इसे? दाखन, इन्हें मारने की जरूरत नहीं, मैं लाया हूं इसे। तुम लाए हो इसे काका? हाँ, यहां लड़कियों का लाया जाना कोई नई बात नहीं। अरे बस इतना है कि कल तक तुम्हारे कहने पे उठाकर लाया जाता था, आज मैं लाया। जाओ ले जाओ उसे और बुझा लो अपनी प्यास। मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक दिन मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बाप के दोस्त हो। और अब अपने दुश्मन बने, जिस लड़की के प्यार में दिन रात भटकते रहे हो, जिसको एक नजर देखने के लिए 100 बार अपनी जान को खतरे में डाला, आज जब वो तुम्हारे काबू में है तो हम पे बरस रहे। काका, तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक जिंदा नहीं रहता। कह दो इन सबसे कि किसी ने उस लड़की की तरफ एक नजर उठा के भी देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। डरो नहीं सोना, तुम पे कोई आंच नहीं आएगी। मैं जानता हूं कि तुम 60-70 मील का सफर करके आई हो और बहुत थक गई होगी, लेकिन तुम्हारा अभी इसी वक्त वापस जाना भी बहुत जरूरी है। रात दिन का सफर करके हम मुश्किल से सवेरे गांव पहुंचेंगे, चल सकोगी? क्या बात है? कुछ नहीं। मैं भी देखूं। गांव में तो पुलिस आ गई है। तो क्या हो गया? आओ चलें। क्या तुम पागल हो? पुलिस होते वहां जाओगे? तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हारी इज्जत मेरी जान से ज्यादा कीमती है। आओ चलें। तुमने मेरी लाज रखी, मेरी इज्जत बचाई, मेरा भी तो कोई फर्ज है। तुम गांव में नहीं जाओगे? अगर मैं नहीं गया तो तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। कोई ना माने, मुझे किसी की परवाह नहीं। लेकिन तुम चिंता ना करो, गांव में मेरी माँ है, बापू है, इन्हें मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो तो मुझे विश्वास करेंगे। तुम्हें पूरा भरोसा है? हाँ। तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रख, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो उस पेड़ पर यही चुनरी बांध देना, मैं देखते ही आ जाऊंगा। आपकी लड़की कौन ले गया था तुम्हें? चार आदमी थे। कौन थे वो?
मुझे मालूम नहीं है। गिव मी द फोटोग्राफ प्लीज। इनमें से कोई था? नहीं कह सकती। गौर से देखो, जो लोग तुम्हें ले गए थे उनकी सूरतें तक नहीं पहचानती। उन्हें देखा ही कहा था, सबके मुंह ढके हुए थे। कहां ले गए थे वो? कोई खंडर जैसी जगह थी। वहां क्या हुआ? वहां उनका सरदार आया। उसने क्या कहा? वो मुझे देखकर अपने आदमियों पर चिल्लाया, डांटा भी, मारा भी। तुम्हारे साथ क्या किया उसने? मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, बड़ी इज्जत से रखा मुझे, खुद मेरी हिफाजत की। तुम वापस कैसे आई? उन्हीं में से एक आदमी मुझे छोड़ गया। तुमने उनके सरदार को तो जरूर देखा होगा? नहीं, उसका चेहरा भी ढका हुआ था। क्या तुम उन खंडरों का पता बता सकती हो? क्यों, आते जाते क्या तुमने कुछ नहीं देखा? नहीं, जाते वक्त भी मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, आते वक्त भी। तुम और कुछ नहीं बता सकती? कुछ मालूम होता तो जरूर बताती। अच्छा ठाकुर साहब, आपकी लड़की आ गई, बाकी काम हमारा है। चलो इंस्पेक्टर, लेट्स गो। सोना, मेरी बच्ची। सोना, जो कुछ तुमने पुलिस को बताया सच था? हाँ बाबा, लेकिन एक बात छूटी थी। वो क्या? मैंने उनके सरदार को देखा था। कौन था वो? लाखन। लाखन? और तुमने ये बात पुलिस को नहीं बताई? जिसने मेरी इज्जत रखी उसके बारे में कैसे पुलिस को बताती? बदनसीब लड़के, तुझ पे दाग लगी गया, लेकिन हमारा बुढ़ापा सत्यानाश हो गया। आपको इस लड़की की बातों पर यकीन है? नो। समझ में नहीं आता यह झूठ क्यों बोल रही है। दो तीन बातें हो सकती हैं, या तो वो लाखन से डर गई, या उससे मिल गई, या फिर वो उसके ख्याल बन गई। चलो। तो फिर मैंने सोचा है तुम दो तीन गांव वालों को अपने साथ मिला लो और उनसे कह दो कि वो इस लड़की पर 24 घंटे नजर रखें, अगर कोई ऐसी बात हो तो वो हमें फौरन खबर दें। चलो। अब जिंदगी भर लोग तो कीचड़ उछालेंगे और हम पर थूकेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। इसे देखकर ही मैं समझ गई ये निर्दोष है। ये तुम नहीं, तुम्हारी ममता बोल रही है। अब इसका हाथ कौन पकड़ेगा? माँ, जब मैं निर्दोष हूँ मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे भोला पर पूरा भरोसा है, वो तो जरूर विश्वास करेगा। क्या बात है, आज मुझे देखकर आंखें क्यों फेर ली? नहीं तो? मैं इन आंखों को पहचानती हूँ, पहले मुझे देखकर चमक उठती थी। जो दिल में होता है वही आंखों में नजर आता है, जब दिल में अंधेरा हो तो आंखों में चमक कहाँ से आएगी? मेरी आंखों में देखो, इनमें तुम्हें सच्चाई की किरण नजर आएगी। सारी दुनिया तुम्हारी आंखों में होती तो जरूर देख लेता। तो फिर देखो ना, कौन रोकता है तुम्हें? वही दुनिया जो तुम्हारी आंखों की तरह चालाक है, हर उड़ते चिड़िया के पर गिन लेती है। मुझे छू? क्यों? अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो छूने से मालूम पड़ जाएगा मैं सच्ची हूँ या झूठी। नहीं, मैं कोई पारस पत्थर नहीं हूँ जो तुम्हें छूकर फिर से सोना बना। बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। क्यों, क्या हुआ? जिस दिन से तुम मुझे यहाँ छोड़ गए हो मेरा जीना मुश्किल हो गया है। बापू ने आंखें उठाकर मेरे तरफ देखा तक नहीं, गांव वाले देखते हैं तो ऐसी नजर से, मुझे अपने आप से शर्म आती है। बस एक माँ है
जिसे विश्वास है कि मैं निर्दोष हूँ। और भोला? उसकी मन में भी शक है। क्या? भोला को तुम पे शक है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तुमसे प्यार करता है और जिससे प्यार किया जाता है उसमें शक कैसे हो सकता है? अगर भोला की जगह तुम होते तो तुम्हारे मन में क्या गुजरते? जिस रात से तुम्हारे मन में भगवान का उजाला जगा, उसी रात से मेरे दुनिया में काल अंधेरा गया। मैं कितना बदनसीब हूँ सोना, तुमने तो मुझ जैसे पत्थर को सोना बना दिया, लेकिन मैंने सोना को पीतल बना दिया। मेरे कारण तुम पे कलंक लगा है, अब मैं इस कलंक को मिटाऊंगा। मैं सारे गांव को बता दूंगा कि तुम गंगा की तरह पवित्र हो। परसों मैं आऊंगा और गांव का बच्चा बच्चा ये जान लेगा कि तुम निर्दोष हो। लाखन कल गांव में आ रहा है। पक्की बात? जी हाँ, कल रात मैंने अपने कानों से सुना है, उसने सोना से वादा किया है। पंडित जी, मने ऐसा लगा जना बात बन गई, कल लाखन गांव में आवे। सच? सच, मैं झूठ को नहीं बोलूं। आवे गो, वो भी सोना से मिलने। आज रात तैयारी कर लो, हम भी उस गांव में जाएंगे, लेकिन लाखन से पहले। मैं नहीं चाहता था कि आज तुम गांव जाओ। वो क्यों? क्योंकि खबर मिली है आज गांव में पुलिस छुपी, इसलिए मैंने तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं समझा। तुमने मेरे लिए तो ठीक सोचा है काका, लेकिन उस लड़की का क्या होगा जिसके पवित्र आंचल पर तुम्हारी एक भूल के कारण कलंक का एक ऐसा दाग लगा है जिसे अब सिर्फ मैं ही मिटा सकता हूं। मगर वहां पुलिस की गोलियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिक्र मत करो काका, कई बार इन गोलियों से निकल चुका हूं, भवानी की दया से आज भी निकल आऊंगा, और अगर इसमें मेरी जान चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। एक बार फिर सोच लो, तुम अपने लिए ही नहीं हम सबके लिए खतरा मोल ले रहे हो। तुम लोग भी वही सोच रहे हो जो काका कह रहा है। राम सिंह, उधम सिंह, जय सिंह, बोलते क्यों नहीं? ठीक है, मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। जाओ, पर इतना याद रखो, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। सारा, अब लाखन तुझ पे कभी सवार नहीं होगा। जब वो सोना से मिलने जाएगा तो सोना को नहीं, इस गोली को अपने सीने से लगाएगा। सुनो, खबरदार जो तुम में से किसी ने लाखन पे गोली चलाई। ये कौन से? अपने एसपी साहब तो नहीं? शायद ग्वालियर से बड़े एसपी साहब आए होंगे, मामला काफी गंभीर लगता है। लाखन की बात है, कोई खेल नहीं।
ठहरिए। आपकी बेटी कहाँ है, बुलाइए उसे। सोना आई बाबा। कोई नई खबर है? लखन। लखन। डरिए मत, बस मैं ये साबित करने आया हूं कि आपकी बेटी निर्दोष और पवित्र है। वो कैसे? ये राखी मुझे बांध दो। क्या ठाकुर साहब, दुनिया मर्द और औरत के रिश्ते पर कीचड़ उछाल सकती है, लेकिन एक भाई बहन के नाते पे कोई शक नहीं कर सकता। ये राखी ही तुम्हारी पवित्रता की गवाही दे सकती है। मेरे पास समय नहीं, लो इसे बांध दो। के मुताबिक मुझे तुम्हें कुछ भेंट देना चाहिए, लेकिन मैं ला नहीं सका। अगर मैं यहां से बच के निकल गया तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा, नहीं तो मेरी जाने को भेंट समझ लेना। लाखन, लाखन यहाँ कहाँ? यस, वो जीप में आया, वो लाखन है। कहाँ है वो? वो अंदर है। रहा है रूपा, अरे चला गोली, इससे अच्छा मौका और कौन सा मिलेगा? सच कहा तुमने, इससे अच्छा मौका मुझे और कौन सा मिलेगा, लेकिन तुम्हारी जान लेने का नहीं, तुम्हारी जान बचाने का।
मेरा घोड़ा कैसा है? मुफ्त का माल खा खा कर मोटा हो रहा है साला। मुफ्त का क्यों? अब तक तो तुम्हारे घोड़े को 50 रुपए की गाजरें खिला चुका हूँ। तब तो तुमने 50 रुपए और देने हैं मुझे। तुम्हारा काली अब तक 100 रुपए का गुड़ खा चुका है। घोड़ा है घोड़ा। तेरी तो इस घोड़े की चाल अच्छी नहीं। मेरे घोड़े पे सवारी करते हो? कभी कभी। कभी कभी क्यों? क्योंकि चोरी की यारी और चोरी की सवारी कभी कभी करनी चाहिए। अपने घोड़े पे फिर बैठना चाहते हो? बिल्कुल। तो फिर भागो। क्यों किया? मैंने नहीं, तुम्हारे हाथ पे ये जो कच्चे धागे बंधे हैं इन्होंने तुम्हें बचाया है। जाओ लाखन, दुश्मनों में ज्यादा बातें अच्छी नहीं होती। आज के बाद जब भी मिलेंगे हम नहीं हमारी बंदूकें बोलेंगी। लाखन ने उसे अपनी बहन बनाया है, सोना ने उसे राखी बांधी है। मगर डाकू की राखी मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती। डाकू क्या जाने राखी क्या होती है, उसके लिए ना कोई माँ होती है ना बहन। ठाकुर, सोना गंगा की तरह पवित्र है। अरे कोई बाप अपनी बेटी को दोषी ठहराता है क्या? तुम्हारे कहने से खोटा सिक्का खड़ा नहीं हो सकता ठाकुर। ये मेरी इज्जत का सवाल है। तो तुम्हारी इज्जत के लिए मैं अपनी इज्जत नीलाम कर दूं। कान खोल कर सुनो ठाकुर, जिस लड़की ने सारी रात एक डाकू के अड्डे पर गुजारी हो, मैं उस लड़की को अपनी बहू किसी कीमत पे बना नहीं सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या हुआ? उन्होंने सगाई तोड़ दी। अब क्या होगा? सगाई टूट गई तो क्या हुआ? सोना का ब्याह होगा उसी दिन उसी मुहूर्त पर। वो कैसे? तुम देखती जाओ, मैंने लड़का भी देख लिया है और बात भी पक्की कर ली है। कौन है वो लड़का? बलवंत। बलवंत? मगर बलवंत के साथ शादी करके सोना कभी सुखी नहीं रह सकती। और माथे पर कलंक का टीका लगाकर सारी जिंदगी सुखी रह सकेगी? ये शादी जरूर होगी। नहीं,
मेरे जीते जी ये शादी कभी नहीं होगी। तो फिर इसका एक ही इलाज है, या तो डाकू जिंदा रहेंगे या मैं। बापू, बदनामी की जिंदगी से मौत अच्छी है, हट जा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। सोना, सोना। लखन, तुम यहाँ क्यों आए हो? किसी ने देख लिया तो चले जाओ, जल्दी जाओ। पहले मुझे ये बता दो कि तुम्हारी शादी बलवंत से कैसे हो रही है। मेरी मर्जी से। तुम्हारी मर्जी से? मगर तुम तो भोला से प्यार करती हो। करती थी, लेकिन अब नहीं। क्यों? जो आदमी प्यार करता है वो शक नहीं करता, और जो शक करता है वो इज्जत नहीं देता। लेकिन तुम बलवंत के साथ सुखी कैसे रह सकती हो? क्यों? क्योंकि वो पागल है। गलत, वो एक बड़े घर का लड़का है, और मुझे पूरा विश्वास है वो मुझे इज्जत भी देगा और सुख भी। तुम भी तो यही चाहते हो ना? ये शादी कब हो रही है? मतलब? मैं आना चाहता हूँ। तुम्हारे चेहरे से मुझे मालूम हो जाएगा कि तुम इस शादी से कितनी खुश हो। नहीं, तुम वहां नहीं आओगे। मैं और तुम्हारी शादी पे ना हूं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम वहां आए सारा गांव वहां होगा, पुलिस होगी, अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम बच नहीं पाओगे लखन। जा अपने रूपा के पास। तूफान, तूफान। बड़ा ठीक है ना? बिल्कुल, मालूम होता है संदेश लाया है। रूपा, कल जिस कारण दुश्मन दोस्त बन गया था, आज उसी कारण पल भर के लिए मुझे फिर दुश्मन की दोस्ती की जरूरत है। अगर मुझ पर भरोसा कर सको तो सज्जनगढ़ के नीचे मुझसे मिलो, मगर अकेले और बिना हथियार। मंजूर हो तो मेरे घोड़े दारा को मेरे पास भेज दो। लाखन। तुमने मुझे बिना हथियार क्यों बुलाया है? इसलिए कि पिछली बार तुमने कहा था कि जब हम फिर मिलेंगे हमारी बंदूकें बोलेंगी, हम नहीं। तो अभी कुछ देर और हमारी बंदूकों को खामोश रहना होगा। कारण? सोना। सोना के बारे में क्या कहना चाहते हो? उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। कैसे? हमारे कारण वो बदनाम हुई, उसके मंगेतर ने शादी से इनकार कर दिया, अब उसका बाप जबरदस्ती उसकी शादी एक मूर्ख से कर रहा है। यह शादी कभी नहीं होगी। बिल्कुल, लेकिन यह काम ना मैं अकेले कर सकता हूं और ना तुम, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। हाँ, जब तक यह काम पूरा नहीं होगा यह गोली मेरी बंदूक में नहीं उतरेगी, और यह गोली भी मेरी बंदूक से नहीं चलेगी। सोना, मैं हूँ लाखन। देख लिया तो एक पन्ने तुम्हें मार डालेंगे। तुम चले जाओ लखन। लखन, सोना, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। चलो। लेने आए हो? हाँ, तुम्हारी शादी इस मूर्ख से कभी नहीं होगी, तुम्हारी शादी भोला से होगी।
सन्यासी है। हाँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो। इतना तो बता दो लखन, तुम्हारे सीने में ये कैसा दिल है जो बिना मतलब बिना किसी स्वार्थ मेरे सुख के लिए बाहर बाहर मौत से खेलता है। ये कौन सा नाता है, कैसा बंधन है लखन? ये उसी कच्चे धागे का बंधन है सोना, जो तुमने मेरी कलाई पे बांधा था। इसे बांधते ही तुम्हें रक्षा लेने का अधिकार मिला और मुझे रक्षा देने का फर्ज। मुझे अपना फर्ज पूरा करने दो सोना, चलो। लाखन करीब करीब हमारे काबू में है, हमें एक्स्ट्रा फोर्स भेजिए, फिर वो बिल्कुल हमारे कब्जे में होगा। हम इस वक्त अंबा के इलाके में हैं। ओवर। चलो। जल्दी से मंदिर में ले जाओ, जल्दी जाओ। जल्दी यहां तक तो सब कुछ ठीक हो गया, शादी होने तक पुलिस को कैसे रोकेंगे? मैं इस जगह का सारा नक्शा देख चुका हूं, पुलिस आ सकती है तो सिर्फ दो रास्तों से, उन सीढ़ियों से या उधर से। सीढ़ियों से तो पुलिस को हमारी गोलियां रोकेंगी, लेकिन उधर का बंदोबस्त अभी करना है। आओ आओ मेरे साथ। लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय।
रूपा लाखन, तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। हमने हर तरह से घेर लिया है उस लड़की और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। फेरे खत्म होने के बाद ही लड़की और लड़के को वापस भेजा जाएगा। लेकिन ये शादी जबरदस्ती की है। वो शादी जबरदस्ती की थी, ये शादी मर्जी की है, रजामंदी की है। मैं तुम्हें 10 सेकंड की मोहलत देता हूँ, तुम्हें दरमियान अपने हथियार डालकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना गोली चलाने का हुक्म दिया जाएगा। ये एसपी बहुत बोलता है, थोड़ी देर के बाद उसका बोलना बंद हो जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, लक्ष्मी नारायण अभ्याम नमः, ओम हिरण्यगर्भा अभ्याम नमः। लाखन, आज दो प्राणियों का मेल है, ऐसे वक्त हमारे हाथ से कोई हत्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ज्यादा कष्ट तेरे को है। चाहे तुझे दुश्मन नजर आया, तेरा हाथ बंदूक चलाने को तड़पता है, उस हाथ को रोक ले, कोई पुलिस वाला नहीं मरेगा। लेकिन फिर इन्हें रोकेंगे कैसे? हाथ या पांव पर निशाना लगा, पुलिस वाला जख्मी होगा, मरेगा नहीं। एक गलती हो गई। क्या? पंडित को तो उठा लाया, लेकिन शहनाई वाले को भूल गया। सोना की शादी में मामूली शहनाई फीकी लगती, इसमें बाजे की सुरें और नक्कारे की ताल भी है। सुन, आखिर एक ठाकुर की शादी है, गोलियों की आवाज से ज्यादा कौन सा सुरीला बाजा मिलेगा। जरा बच के, शादी से पहले पुलिस तेरा बाजा ना बजा दे। लाखन, तुम उधर संभालना, मैं इस तरफ देखता हूं। लेकिन संभाल के, कहीं मुझे मत उड़ा देना। फिक्र मत करो, अभी नहीं, गोली चलाऊंगा तो बता के। क्या होता है? उसके बिना शादी पूरी नहीं हो सकती। तो कहां मिलेगा वो कन्यादास? अभी उठा लाते हैं उसे। हर काम जबरदस्ती नहीं होता, अगर कन्यादान नहीं होता तो शादी नहीं होगी। शादी नहीं होगी तो मुंह खोले ताक क्या रहा है, कन्यादान कर देना। जी नहीं, ये शादी की जरूरी रकम है, ये काम कन्या का रिश्तेदार ही कर सकता है। भाई कन्यादान कर सकता है क्या? हाँ, भाई कन्यादान कर सकता है। रूपा, मैं भी आया, तुम अकेले? मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा पंडित जी। कन्या का हाथ अपने हाथ में लो और ये फूल उसमें रख दो, लेकिन हाथ तो धो लो। पंडित जी, मेरे पास वक्त नहीं है, और फिर भाई के खून से ज्यादा कौन सी चीज पवित्र है। इमाम कन्या प्रदा स्वामी पितृणाम तारणाय चय। मैं जा सकता हूं पंडित जी? जाइए। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
पर। आ जाओ। ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। रूपा तुम इन पुलिस वालों के बीच से निकल सकते हो? मामूली बात है। हाँ तो फिर देखो शादी पूरी होने वाली है, तुम जल्दी से निकल जाओ। और तुम? मेरे दोनों पांव पे गोली लग चुकी है, मैं आज तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। ना जाने की बातें छोड़ो लखन, मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। मैं भी नहीं जा सकूंगा। बेवकूफ नादान हो तुम, जब तुम यहां से निकल सकते थे गए क्यों नहीं? कहां जाता इस भरी दुनिया में अपने दुश्मन के बगैर, कहां जाता? दुश्मन गए कि दोस्त हमारे चले गए। इससे पहले कि पुलिस वाले हमें कुत्तों की मौत मारे, क्यों ना तू अपनी जिंदगी की प्रतिज्ञा पूरी कर ले। मतलब? निकाल वो गोली जो तूने मेरे लिए अपने बाजू से बांध रखी है और उतार दे उसे अपने दुश्मन की छाती में। लखन, सोना की शादी हो गई। हमारा काम पूरा हो गया रूपा, अब हमारा जिंदगी से क्या नाता? ठीक कहा तुमने लखन। तो फिर मुझ पर उपकार कर, बंदूक में गोली भर और अपना बदला ले। गोली चलेगी लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? जिस वक्त मेरी बंदूक से गोली चलेगी उस वक्त तुम्हारी कलाई पर बंधी हुई गोली तुम्हारी बंदूक से मेरे सीने में उतरेगी। मंजूर? मंजूर। फिर उठा बंदूक। कमाल है, जिस पल के लिए सारी जिंदगी इंतजार किया आज वो वक्त आया तो हाथ नहीं बढ़ता। कुछ मत सोच रूपा, कुछ मत सोच। समझ में नहीं आता, अगर दोस्त बनकर मरना ही था तो सारी उम्र दुश्मनी में क्यों काटी? फिक्र मत कर रूपा, अंतकाल के समय मन की बात पूरी होती है। जब हम फिर इस दुनिया में आएंगे तो खून के पक्के धागों से बंधे हुए आएंगे, ले दुर्गा माई का नाम और चला गोली।